2.5 मिलीमीटर यूज़ कर रही हूँ, 2.5। यहाँ पे मैजिक रिंग बनाना, सबसे पहले 3 चैन लेने हैं, 1 2 3, 3 चैन लेने के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे तकरीबन 20 डबल चैन लेने हैं, 20 डबल चैन। यहाँ पे 20 डबल चैन लिए, यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे, पीछे से रिंग को धागे को खींच कर रिंग का काम कर लेंगे। यहाँ पे 20 डबल चैन लिए, 1 चैन यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर रही हूँ, थाल पोश रुमाल बना रही हूँ, डिफरेंट कलर यूज़ कर रही हूँ। और वाइट कासने कलर के बाद यहाँ पे हमने वाइट कलर लेना, 1 2 3, 3 चैन बनाने के बाद यहाँ पे फिर 3 डबल चैन, ये 1 ये 2, यहाँ पे ये 3 डबल चैन, यहाँ पे 1 2 2 के बाद 1 2 3, 3 छोड़ के चौथे में हमने डालना 1 2 2 3, 3 फिर वहाँ 1 2 2 चैन लेने के बाद 1 2 3, चौथे में हमने डालना धागे के पीछे से फोल्ड कर देंगे, 1 2 3। इसी तरह हमने 3 के बाद चौथे में हमने डबल चैन बनाना, 3 डबल चैन, राउंड को कंप्लीट करना है। 3 यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 2 चैन, 1 2 3, फिर 2 चैन, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद 1 2 2 चैन लेने के बाद यहाँ पे फिर उसी होल में हमने 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, यहाँ पर टोटल 1 होल में 6 डबल क्रोशिया बनाए, 6 डबल क्रोशिया, 3 इधर 3 इधर। अब यहाँ पे 1 2 2 चैन लेने के बाद यहाँ पे हमने इसे बंद कर देना, स्लिप स्टिच कर लेंगे 1 चैन। अब यहाँ वाइट धागे को इधर लेना है, आगे डिजाइन भी बनाना है। अब यहाँ पे मैं जामुनी कलर यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे 2 हाफ चैन लेंगे, 1 2 3, 3 चैन लेने के बाद यहाँ पे 2 हाफ चैन लेंगे, 2 हाफ चैन। अब यहाँ पे 1 2 2 लेने के बाद यहाँ पे 2 हाफ चैन, 1 2 2 लेने के बाद यहाँ पे हमने करना 1 2 3, 3 लेने के बाद यहाँ पे 2 हाफ चैन, 1 2 हाफ चैन लेने के बाद यहाँ पे फिर 2 चैन, 1 2 2 चैन लेने के बाद इसमें 1 2 2 चैन, 2 हाफ चैन लेंगे, 1 2 3, 3 चैन लेने के बाद इधर 2 हाफ चैन, 1 2। ये जो हमारे पास 6 थे, इनके अंदर हमने ये एक और बनाना है, एक इधर बनाना। अब इसके बाद 1 2 3, 3 लेने के बाद यहाँ पे 1/2 चैन, 1/2, 2/2, यहाँ पे 1 2 3, 3 लेने के बाद यहाँ पे 1/2 चैन, 1 2। इसी तरह हमने ये 6 बचे हमारे पास, इसमें हमने 2 ही बनाए हैं, 6 डबल चैन थे उनके दरमियान हमने
फिर ये कुछ ये हमारे पास दिखा यहाँ पे 3 डबल 6 पे यहाँ पे 1 2 2 6 लेने के बाद यहाँ पे इस हॉल में हमें 3 डबल 6 1 2 3 डबल चैन 1 2 चैन लेने के बाद यहाँ पे इन 6 के दरमियान वाले जो है यहाँ पे 6 डबल चैन 1 2 3 तीन चैन लेने का यहाँ पे 1 2 चैन लेने का यहाँ पे 3 डबल 1 2 3 इस तरह हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। 1 2 3 4 यहाँ पे चैन बनाए हैं, ये धागा निकालना जाए। अब यहाँ इसके बाद मैंने ये कलर यूज़ कर चैन लेने के बाद यहाँ पे हाफ करेंगे 1 2 3 तीन चैन लेने के बाद यहाँ पे 1 2 2 चैन लेने के बाद यहाँ पे हाफ कर तीन यहाँ पे 2 लेने 2 चैन यहाँ पे हाफ डबल 2 हाफ डबल 6 1 2 1 2 3 तीन लेने के बाद यहाँ पे 1 2 यहाँ पे ये था इसके मैंने हाफ यहाँ पे 1 2 3 3 लेने के बाद यहाँ पे हाफ 2 हाफ डबल 6 2 हाफ डबल 6 अब यहाँ पे 1 2 3 तीन लेने के बाद अगले चैन में 1 2 2 हाफ डबल 6 इसी तरह हम इस राउंड को कंप्लीट करना है। जो 6 में है वो बना एक ही तरह इस तरह का हम करना है कम्प्लीट इसको कटिंग कर। लेने के बाद 6 डबल 6 6 डबल 6 बनाने
तीन के बाद एक दो चैन देने हैं, दो चैन के बाद फिर तीन डबल चैन, एक दो तीन, तीन के बाद फिर एक दो देने के बाद इन दोनों के दरमियान इसके बाद मैं सबज कलर यूज करूँ। वन चैन टू हाफ डबल चैन के वन टू थ्री, थ्री लेने के बाद यहाँ पे टू हाफ डबल चैन फिर वन टू रैपर लगा हुआ था ताबी पर हो गया है। अब यहाँ पे वन टू के बाद वन दो थ्री, थ्री के बाद यहाँ पे वन इस तरह हमने स्टोन को कंप्लीट करें। अभी यहाँ पर मैं येलो के बाद रेड कलर यूज करूँ। मेरी बैक साइड है येलो के बाद इस येलो को काट कर देंगे। जैसे कि हम दूसरे स्टोन इधर किया था बनाया था ऐसे ही हम इसको कंप्लीट कर इस स्टोन को मुकम्मल करें। थ्री बनाने के बाद टू बनाने के बाद यहाँ पे हमने थ्री डबल प्लेस वन टू थ्री थ्री और वन टू, टू के बाद यहाँ पे हम सिक्स डबल प्लेस इधर भी बनाने के बाद थ्री बनाने के बाद हमने रेड कलर यूज करना है। इधर अगर रुमाल बनाने में खिंचाव महसूस हो कर ली और इकट्ठा हो रहा तो यहाँ पे हम पहले टू हमने लिए थे, अब यहाँ पे हमने थ्री चैन लेने। अगर देखें थोड़ा सा खिंचाव हो रहा है या इकट्ठा हो रहा तो क्या करना है, यहाँ पे थ्री चैन लेने वन टू थ्री, पहले हमने तो टू चैन लिए थे अब यहाँ पे तीन चैन लेने
रहा हूँ। थ्री बनने के बाद यहाँ पे थ्री डबल टू थ्री खिंचाव हो रहा है यहाँ थ्री डबल चैन। जैसे जैसे पढ़ाते थे थ्री डबल चैन, एक दो तीन, पहले हमने इधर दो चैन लिए थे, दो चैन। अब यहाँ पे हमने जैसे जैसे आगे बढ़ते जाना है डबल थ्री चैन ले लिए, एक दो तीन, तीन के बाद एक दो, दो के बाद फिर यहाँ पे एक दो तीन, तीन के बाद फिर दो तीन, तीन चैन लेने के बाद यहाँ पे तीन डबल चैन, एक दो तीन। पहले हमने यहाँ पे दो चैन लिए थे, इधर भी दो चैन, अब यहाँ पे बढ़ाते जाना थोड़ा सा, यहाँ इकट्ठा हो रहा है इसी वजह से हम यहाँ तीन चैन लेते हैं, तीन डबल। यहाँ पर अगर बोर्ड बन रही परेशान होने की कोई बात नहीं, यहाँ पे ये आ जाएगा ना फिर ये खुल जाएगा यहाँ से, ये देखो यहाँ पे ये पहले हमने टू डाले थे दो चैन, अब यहाँ पे मैंने तीन चैन डाले, एक दो तीन, खुला होता जा रहा, बड़ा होता जा रहा है। अगर यहाँ पे ऐसे इकट्ठा हो कोई परेशानी होने घबराने की बात नहीं, ये देखो खुद ठीक हो जाएगा जब यहाँ पे हम थ्री थ्री चैन डाले। इकट्ठा हो कुछ नहीं तो ठीक हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक दो तीन, पहले हमने दो लिए थे अब तीन तीन बनाने, यहाँ पे वन हाफ चैन टू हाफ चैन, अब यहाँ पे वन टू थ्री, थ्री लेने के बाद यहाँ पे वन हाफ चैन टू हाफ चैन, दो हाफ चैन लेने के बाद यहाँ पे वन टू थ्री, तीन चैन लेने के बाद यहाँ पे टू हाफ चैन, एक दो, दो लेने के बाद यहाँ पे एक दो तीन, ये हमने तीन इसे नहीं बढ़ाना, इनको बढ़ाना, एक दो, पहले दो लेते थे अब तीन, दो तीन, वन हाफ चैन टू हाफ चैन, देखो वन टू थ्री, थ्री लेने के बाद वन हाफ चैन टू हाफ चैन, देखो अब ये सही हो रहा है, वैसे ये है ये ठीक हो जाएगा, ये देखो अभी सही हो रहा, खुल रहा है ना, जैसे ये जैसा हम चैन बढ़ाते जाएंगे, एक दो तीन, तीन लेने के बाद यहाँ पे हाफ चैन, यहाँ पे हाफ चैन, एक दो तीन, इसी तरह पहले हमने टू चैन ले था अब तीन चैन, कब ठीक हो रहा है, ये सही हो रहा है, इधर थोड़ी सी कर ली तो बहुत ठीक हो जाएगी जब ये हम राउंड मुकम्मल करेंगे। यहाँ पे जो इकट्ठा हो रहा था वो अब ठीक हो गया, यहाँ पे मैंने ये बनाया इस तरह ये खुल गई इस साइड पर, यहाँ भी ये तक थोड़ा सा ऊपर है, जब ये कंप्लीट करेंगे ये ऐसे खुला हो जाएगा। इस साइड पर सही हो गया, अब ये यहाँ पर कर दी साइड, जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना ऐसे फिर ये ठीक है। यहाँ पे मैंने ये राउंड येलो कलर इस्तेमाल किया, आप जो भी चाहें कलर यूज़ कर सकते हैं, और इससे बड़ा भी बनाया जा सकता है। यहाँ पे थ्री थ्री, यहाँ पे शुरू में हमने टू डाले थे टू डबल चैन, यहाँ पे तीन डबल चैन, यहाँ पे तीन, यहाँ पे इस तरह ये मुकम्मल, बैक साइड आप चाहें तो इससे ज्यादा बढ़ा सकते हैं।